मेरे पेरेंट्स मुझे उसी तरह से आज भी समझते हैं, और ब्लाइंड होने के बाद उन्होंने मेरी उसी तरह से दोबारा से एक बार परवरिश की जिस तरह से एक नौमौलूद बच्चे की परवरिश की जाती है। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम हिना दुर्रानी है, मैं ब्लाइंड हूँ और मैंने कराची यूनिवर्सिटी से बीएस किया हुआ है सोशल वर्क में। इसके साथ साथ मैं नई सुबह इंस्टीट्यूट में इंस्ट्रक्टर हूँ, स्कूलिंग क्लास लेती हूँ, वहाँ पढ़ाती हूँ स्लो लर्नर्स बच्चों को, और बीट वर्क करवाती हूँ, कुकिंग इंस्ट्रक्टर हूँ, क्रोशिया और हैंडीक्राफ्ट वगैरह मुख्तलिफ शोपीस वगैरह भी डिज़ाइन करती हूँ। ब्लाइंड होने के बाद ख़ुद मुझे भी नहीं मालूम था कि मेरी दुनिया तारीख हो जाएगी, मुझे मेरी ज़िंदगी में अंधेरा छा जाएगा, और ये बात ना ही मेरी फैमिली को मालूम थी। तो ये हमारे लिए शॉक लगने वाली बात थी। मेरे पेरेंट्स मुझे उसी तरह से आज भी समझते हैं, और ब्लाइंड होने के बाद उन्होंने मेरी उसी तरह से दोबारा से एक बार परवरिश की जिस तरह से एक नौमौलूद बच्चे की परवरिश की जाती है। और अल्लाह का शुक्र है, मैंने ब्लाइंड होने के बाद कभी ये नहीं महसूस किया कि मेरे घर वालों ने मुझे इस बात का एहसास दिलाया हो कि मैं ब्लाइंड हूँ, और मेरा हर कदम पे साथ दिया। और ये इसी तरह मैं आगे बढ़ते बढ़ते उस मकाम पे भी पहुँच गई कि मेरी यूनिवर्सिटी ख़त्म हुई, क्लोज़ हुआ, और एक दिन ऐसा आया कि मुझे हमसफ़र भी ऐसा मिला कि जो मेरे साथ आज शाना बशाना कदम मिला के चलता है। शादी के बाद मैंने अपनी लाइफ नॉर्मल वैसे ही गुजारी जिस तरह से सब गुजार रहे होते हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो हैं वो साइटेड हैं नॉर्मल, मैं ब्लाइंड हूँ। तो मेरे ससुराल वालों को पहले डर था कि एक ब्लाइंड लड़की नॉर्मल के साथ कैसे गुजारेगी ज़िंदगी, और उनके बेटे के साथ कोई बदसलूकी ना हो, लेकिन अल्लाह का शुक्र ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैंने अपनी तमाम सलाहियतों को सामने रखते हुए अपने हस्बैंड को और अपने ससुराल वालों को मनवा लिया, और आज मैं उन सबके दिलों पे घर कर गई हूँ। नई सुबह में आने के बाद मैं बहुत खुश हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और जो मैं घर बैठ के सलाहियतों को जंग लगाने वाली थी, उसका भी मुझे एहसास है कि अगर मैं घर में बैठी तो कुछ दिन, तो मैंने बहुत वक्त ज़ाया किया अपना। नई सुबह का पूरा स्टाफ मेरे साथ है, सब लोग बहुत अच्छे हैं, सब कोऑपरेटिव हैं, मेरी हर क्लास में मेरा साथ देते हैं, और मैं इन सबके साथ बहुत खुश हूँ। मैं ख़ुद ब्लाइंड हूँ, और दूसरे जो ब्लाइंड डिसेबल्स लोग हैं, हमें पता है कि हमारी क्या हैसियत और अहमियत है, लेकिन माशरा हमें क्या समझता है। इसके लिए मैं यही कहूँगी कि इस माशरे में लोग बहुत ज़्यादा हैं और इंसान बहुत कम। मैं एक शेर हमेशा से पढ़ती आई हूँ इस माशरे के लिए कि मुझे मलाल नहीं अपनी बेनिगाही का, मुझे मलाल नहीं अपनी बेनिगाही का, जो दीदावर हैं उन्हें भी तो नज़र नहीं आता। और अपने तमाम ऑल डिसेबल ब्लाइंड कम्युनिटी के लिए ये शेर पढ़ती आई हूँ कि खुद ब खुद टूट कर गिरती नहीं जंजीर कभी, खुद ब खुद टूट कर गिरती नहीं जंजीर कभी, बदली जाती है बदलती नहीं तकदीर कभी। शुक्रिया।